लखनऊ में डीआरडीओ ने कोविड अस्पताल तैयार कर दिया है, सिर्फ ट्रायल बाकी है, उसके बाद 500 बेड के अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल में मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में डीआरडीओ की ओर से तैयार किया जा रहा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगभग तैयार हो चुका है। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे ऑक्सीजन का वो प्लांट जो 20,000 लीटर क्षमता का है, इसको स्थापित कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन भरने का जो काम है वो भी समाप्त हो गया है। इसके साथ ही अंदर की तरफ आपको दिखाऊंगा कि ये जो रास्ता जा रहा है इसके अंदर आईसीयू वेंटिलेटर्स वगैरह की स्थापना भी हो चुकी है। देख सकते हैं आप किस तरह से सारे के सारे वेंटिलेटर्स स्टार्ट कर दिए गए हैं, बेड भी लग गए हैं, बस उन पर थोड़ा सा जो फॉर्मेलिटीज़ और हैं वो करनी बाकी है। इसके बाद ये अस्पताल पूरी तरह चलने लगेगा और इस पर जो कोरोना से संक्रमित गंभीर मरीज हैं उनका उपचार शुरू किया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ 150 वेंटिलेटर्स लगाए गए हैं, सारे के सारे वेंटिलेटर्स पीएम केयर फंड से खरीदे गए हैं और देख सकते हैं आप कि एक के बाद एक लगातार पूरी कई कतारें हैं यहाँ पर। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि ऊपर की तरफ करके दिखाएं किस तरह से चारों तरफ आपको वेंटिलेटर ही वेंटिलेटर नजर आएंगे, 150 वेंटिलेटर यहाँ स्थापित किए हैं। टोटल उनका औचक निरीक्षण शुरू हो चुका है, तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो डीआरडीओ अस्पताल है वहां पर सीएम पहुंचे और उनका उपचार किया जाएगा। खास बात ये भी है, तो डीआरडीओ हॉस्पिटल पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यही वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक वृहद तैयारी की गई है। पीएम केयर्स फंड से इसे बनाया गया है डीआरडीओ की मदद से और अस्पताल में क्या क्या खूबियां हैं किस तरीके से बनाया गया है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी जो है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो 500 बेड का अस्पताल है, अवध शिल्प ग्राम में इसे तैयार किया गया है और अस्पताल में 20,000 लीटर क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट को भी स्थापित कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और उनका ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। आज ही कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट उनकी आई है और डीआरडीओ हॉस्पिटल पहुंच गए हैं अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है क्योंकि ये जो अस्पताल बनाया गया है ये लोगों की जान बचाने में काफी मददगार साबित होगा। तो डीआरडीओ अस्पताल तैयार है और मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं वहां पर निरीक्षण करने के लिए और देखिए यही वो वेंटिलेटर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से बनाए गए हैं और पीएम केयर्स का भी स्टिकर लगा है। तो पीएम केयर्स फंड के जरिए और डीआरडीओ की मदद से एक बड़ा 500 बेड का अस्पताल स्थापित किया गया है। तो अभी अभी मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं डीआरडीओ अस्पताल और अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और क्या जरूरतें हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का आंकड़ा बढ़ा है, जिस तरीके से मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, उससे स्थितियां कैसे संभलेंगी, इन चीजों को जानने और समझने के लिए सीएम पहुंच गए और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, डीआरडीओ हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और इस वक्त वो जानकारी ले रहे हैं कि कैसे ये अस्पताल काम करेगा, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं। तो देखिए एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं, डीआरडीओ हॉस्पिटल सीएम पहुंच गए हैं, आज ही कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट उनकी आई है और उसके बाद सीएम सीधे एक्शन में है क्योंकि जिस तरीके से अधिकारियों ने मिसहैंडलिंग की, जिस तरीके से अधिकारियों ने मनमानी की, लापरवाही की, काफ़ी छवि खराब हुई सरकार की और पूरी व्यवस्था की और मुख्यमंत्री इसी वजह से देखिए जो सेना के अधिकारी हैं वो उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से सुविधाएं दी गई हैं, क्या कुछ किस तरीके से जीवन रक्षक ये अस्पताल साबित होगा कोरोना के मरीजों के लिए, कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए। तो अवध शिल्प ग्राम जो लखनऊ में है वहीं पर ये 500 बेड का अस्पताल तैयार किया गया और देखिए किस तरीके से जो सेना के अधिकारी हैं वो इस वक्त मुख्यमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं कि कितनी सुविधाओं से लैस ये अस्पताल है। सीधी तस्वीर हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई और उसके बाद वो अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच गए, इस वक्त वो अवध शिल्प ग्राम में बनाए गए डीआरडीओ हॉस्पिटल में मौजूद है। और विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, इस वक्त मुख्यमंत्री का निरीक्षण चल रहा है, किस तरीके की बातचीत हुई, क्या कुछ ब्रीफिंग हो रही है उनको? जी देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री अभी अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं, जो वार्ड बनाए गए हैं, जो मशीनें हैं, जो वेंटिलेटर्स वगैरह हैं उनका देखा जा रहा है कि अभी कितने वेंटिलेटर तैयार हैं और अस्पताल
की क्या स्थिति है। यहाँ पर आपको बता दें कि 505 बेड बनाए गए हैं और करीब जो जिसमें ऑक्सीजन प्लांट भी एक नया लगाया गया है, 10,000 लीटर क्षमता वाला प्लांट है वो। तो सीएम यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं कि ताकि सारी चीजों को अपनी नजरों से खुद देखें कि तैयारियां किस लेवल पे हैं। और इस समय देखिए सीएम जो है आईसीयू 2 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं और वो उनके साथ कमिश्नर भी हैं, कमिश्नर मंडल जो रंजन कुमार हैं, एजीएस होम हैं अवनीश अवस्थी, इसके अलावा जो पुलिस कमिश्नर हैं डीके ठाकुर, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश भी हैं और सेना के अधिकारी भी, डीआरडीओ के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। सीएम को जो बेड है और जो वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन प्लांट के बारे में सारी जानकारी दी जा रही है, उनको दिखाया जा रहा है कि देखिए किस तरह से मरीजों का कहाँ पर भर्ती होंगे और कैसे उनका उपचार किया जाएगा, इसके अलावा जो उपचार के बाद उनको कहाँ कैसे रखा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, ये सारी जानकारियां उनको दी जा रही हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें, सेना के जो डीआरडीओ के अधिकारी हैं वो सब यहाँ पर लगे हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि सेना की तरफ से, डीआरडीओ की तरफ से 25 डॉक्टर जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं वो यहाँ पर काम करेंगे। इसके अलावा 80 जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो काम करेगा और जो जिलाधिकारी की तरफ से, जो स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो उनको स्टाफ और डॉक्टर सौंपे जाएंगे वो अलग से काम करेंगे। तो ये क्यूमुलेटिव प्रयास है, सारे अधिकारी सारे डॉक्टर मिलकर इस अस्पताल को सारी व्यवस्थाएं अभी बस जल्द चालू होंगी और यहाँ पर मरीजों की जो हाहाकार मचा हुआ है, जिनको बेड नहीं मिल रहा है, जिनको सुविधा नहीं मिल रही है, जिनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, उस तरह के जो सारे इंतजाम है यहाँ पर दिए जाएंगे। और जो राहत की बात है, शहर के लिए राहत मिलेगी मरीजों को भर्ती कराने में, बिल्कुल एक बड़ी राहत मिलेगी। विवेक हमारे साथ आप बने रहे, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़ गए। वीरेश जी, एक्शन में मुख्यमंत्री आ गए हैं और ये अच्छी बात है कि डीआरडीओ का अस्पताल शुरू हो गया है। अब ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि व्यवस्थाएं भी तेजी से सुधरेंगी और अभी तक जो अधिकारी अपने आप को खुदा समझ रहे थे उनकी भी खैर नहीं है। देखिए उदेश, आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, जब घर का मुखिया कमान लेकर खुद सामने खड़ा होता है और जब वो रण क्षेत्र में सामने होता है दुश्मन के, पुनः की जो विभीषिका है उसके सामने योगी आदित्यनाथ तनकर खड़े हो गए और रणभूमि में उतर चुके हैं। और ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली है, और मैं आपको बता दूं उच्च पदस्थ सूत्रों की, मुख्यमंत्री कार्यालय से जो छनकर खबर आ रही थी, मुख्यमंत्री जब तक पॉजिटिव थे बेहद निराश थे, हताश थे और साथ ही साथ नाराज थे इस बात को लेकर कि अधिकारी क्या काम कर रहे हैं, उनकी छवि पर बट्टा लगा रहे हैं। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने जब कमांड अपने हाथ में ले ली है तो उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए ये शुभ खबर है, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत ही वेदना के साथ उठे हैं और ऐसे में जितनी भी चीजें हैं उसे सुधारने के लिए वो आगे बढ़े हैं, तो ये एक बड़ी बात मानी जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ एबीपी गंगा के दर्शकों के माध्यम से कि ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और शुभ खबर है कि मुख्यमंत्री रणभूमि में उतर चुके हैं और साथ ही साथ कोरोना को पराजित करने के लिए वो निरीक्षण पर निकल चुके हैं, डीआरडीओ में वो निरीक्षण कर रहे हैं और सोर्सेज से खबर आ रही है कि केजीएमयू, एससी, पीजीआई, बलरामपुर, आरएमएल कभी भी वो दौरा कर सकते हैं। और जिस तरीके से अधिकारियों ने लखनऊ, प्रदेश की राजधानी और प्रदेश के अन्य जगहों की स्थिति को खराब किया है, मुख्यमंत्री नाराज मुख्यमंत्री इन सबकी नकेल कसेंगे, चाबुक लगाएंगे और ऐसा मारा जा रहा है, हो रहा है कि स्थितियां अब सुधरेंगी, क्योंकि स्थिति बहुत ही भयावह है उत्तर प्रदेश की। और इस स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री, जो बीमार मुख्यमंत्री हैं, आज निगेटिव हुए हैं, अभी तक पॉजिटिव थे, डॉक्टरों ने कहा है कि एक हफ्ते का आराम करिए, तमाम उनके जो कोरोना के दुष्प्रभाव है वो उनके शरीर पर देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों की सलाह नहीं मानी है, देश की और प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जिसके लिए उन्होंने शपथ ली थी उसके मद्देनजर वो जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ गए हैं और डीआरडीओ का निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही साथ अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। और जो निकम्मे अधिकारी है उनकी खैर नहीं है, जो सोर्सेस से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री आज बेहद नाराज थे, निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने अपने जो चुनिंदा कुछ अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि ऐसे निकम्मे जो जिलाधिकारी हैं, सीएमओ हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाए, क्योंकि उनकी नजर तो ऐसे अधिकारियों पर लगातार बनी हुई थी, उनकी खैर नहीं है, उन्हें हटाया जाए। तो क्या वीरेश जी, हम मान सकते हैं कि जिन जिलों में स्थितियां खराब हैं, चाहे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, इन अधिकारियों के लिए चिंता बढ़ सकती है? निश्चित रूप से इनकी चिंता बढ़नी चाहिए, क्योंकि इन्होंने प्रदेश की चिंता बढ़ाई है, मुख्यमंत्री की चिंता बढ़ाई है।
बिल्कुल, तो बाहर नहीं निकल रहे हैं जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए, उन्होंने काम नहीं किया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री उन अधिकारियों की क्लास जरूर लेंगे और जो भी नियम कानून के तहत उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है, उसे करना ही चाहिए मुख्यमंत्री को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। इसका खामियाजा प्रदेश देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है और कोरोना का जो पहला वेव आया था, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पॉजिटिव नहीं हुए थे और अपने नेतृत्व में उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली थी और सब कुछ अच्छा किया था, जिसकी वाहवाही न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोविड नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश में हुई थी, और दूसरी वेव में जिस तरह से बदझट हुई है, जिस तरीके से दाग लगा है, जिस तरह से थप्पड़ लगा है, जिस तरह से निकर्मण्यता सामने आई है अधिकारियों की, उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली है, क्योंकि इन सारी चीजों का खामियाजा, इन सारी चीजों का ठीक खुद मुख्यमंत्री पर ही फूटा और ये एक गंभीर स्थिति थी। लेकिन अब वो मैदान में उतरे हैं तो अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। विरेज बने रही है हमारे साथ, विवेक भी बने हुए हैं। विवेक, इस वक्त सीएम डीआरडीओ अस्पताल का निरीक्षण किस जगह पर कर रहे हैं, किस तरीके की बातचीत वहां पर हो रही है सेना के अधिकारियों और मुख्यमंत्री के बीच? विवेक के पास जाएंगे, लेकिन देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर ठीक होते ही एक्शन में सीएम है, दूसरा डीआरडीओ का अस्पताल जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, एक तस्वीर और भी सामने आई, अधिकारियों ने फील्ड में उतरकर काम करने के बजाय आंकड़ों का खेल बहुत गजब का किया। कुछ जिलों में तो बीते दो तीन दिन में 40% आंकड़े घटा दिए गए, जबकि हालात वहां पर ऐसी है कि लोग बेड के लिए तड़प रहे हैं। क्या ये आंकड़ेबाजी करने वाले जो खिलाड़ी थे, इनको पकड़ने की कोई कवायद होगी? देखिए, अधिकारियों का कुछ जाता नहीं है, जाता है सरकार का, जाता है विधायक का, जाता है सांसद का, जाता है पार्टी का, जाता है मुख्यमंत्री का, जाता है मंत्री का, क्योंकि 5 साल बाद जनता के बीच इन्हीं को जाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को आपने देखा होगा कि वो अखिलेश सरकार में भी मलाई काटे थे, मायावती की सरकार में भी मलाई काटे थे, योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी मलाई काट रहे हैं। तो ये अधिकारी मौसम वैज्ञानिक होते हैं और ये किसी के नहीं होते हैं, इन्हीं की वजह से सरकारें बदनाम होती हैं, सरकारें चली जाती हैं, 5 साल के बाद जनता नकार देती है। सबसे ज्यादा नकेल इन अधिकारियों पर करने की जरूरत होती है अंग्रेजों के जमाने का, कि ये जो नौकरशाही की प्रणाली है, जो ये आईएएस आईपीएस है, इन्हीं की वजह से सरकारें बदनाम होती हैं, क्योंकि यही सरकारों के आंख कान नाक होते हैं। जो मुख्यमंत्री, जो मंत्री इन पर बेहद विश्वास करता है, उसको ये डुबा मारते हैं। और इस कोरोना की जो दूसरी वेव हुई है, उसमें मुख्यमंत्री के ऊपर जो दाग लगा है, जो थप्पा लगा है, जो प्रशासनिक असफलता के आरोप पर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार ये अधिकारी हैं। ये टीम 11 की शोभा बढ़ाते थे और ब्रेकफास्ट करके उस टीम 11 में आते थे, तमाम आंकड़ों को मुख्यमंत्री को बिल्कुल। और ऐसे अफसरों को भी बख्शना नहीं होगा, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की छवि केवल देश में नहीं विदेशों में भी बदनाम किए। शुक्रिया विदेश जी आपका जानकारी के लिए। और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं डीआरडी हॉस्पिटल से, मुख्यमंत्री इस वक्त बाहर निकल गए हैं निरीक्षण के बाद और अब वो किसी भी अस्पताल में लखनऊ के पहुंच सकते हैं, चाहे राम मनोहर लोहिया की बात करें हम, चाहे बलरामपुर हॉस्पिटल की बात करें। और ये देखिए डीआरडी अस्पताल में निरीक्षण पूरा हो चुका है, उन्होंने हालात का जायजा लिया है और निश्चित तौर से प्रदेश की जनता उम्मीद भरी निगाहों से देख रही, क्योंकि बहुत सारे सवाल लोगों के मन में भी हैं, जिन सवालों का जवाब लोग जानना चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री इस वक्त निरीक्षण पर निकल चुके हैं और अब किस अस्पताल का रुख करने वाले हैं उसका हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन सेना के अधिकारियों ने उनकी डिटेल्ड ब्रीफिंग की, बताया कि किस तरीके के इंतजाम हैं, सुविधाएँ हैं। और देखिए ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, अब वहां से निकल रहे हैं। डीआरडीओ का जो 500 बेड का अस्पताल बनाया गया, उसका पूरा उन्होंने निरीक्षण किया है।